Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार, मेरा नाम सदन झा है और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में बातें कर रहे हैं। यह तीसरा लेक्चर है और यह सीरीज आधुनिक भारतीय इतिहास में इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों रुझानों के ऊपर केंद्रित है। इसी सिलसिले में आज हम लोग 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्राच्यवादी विद्वानों के योगदान के बारे में बात करेंगे, उसका आकलन करेंगे और यह 18वीं सदी के उत्तरार्ध से 19वीं सदी में भी शुरू के कुछ दशकों के ऊपर केंद्रित होगा और यहां हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु प्राच्यवाद की संकल्पना या अवधारणा, इसके विस्तार में जाना और साथ ही इसने भारतीय इतिहास की समझ को किस तरह से प्रभावित किया उसका आकलन करना होगा। यहां हम ज्ञान और सत्ता के बदलते सरोकारों, उनके बीच के घनिष्ठ संबंधों के बारे में भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी हम औपनिवेशिक भारत में इतिहास लेखन की बात करते हैं या किसी भी कालखंड में इतिहास लेखन की बात करते हैं तो उसके राजनीतिक सरोकारों के आकलन के बगैर एक आलोचनात्मक दृष्टि, एक समग्र दृष्टि विकसित नहीं हो पाती है। और जब हम इस कालखंड की बात करना चाहते हैं तो ऐसे में प्राच्यवादी विचारधारा, प्राच्यवादी ज्ञान वाङ्मय एक अहम भूमिका निभा करती है, जिसका असर न मात्र उन विषयों पर रहा जिसे उन विद्वानों ने 18वीं सदी 19वीं सदी में अध्ययन किया, बल्कि यह अपने विषय वस्तु से कहीं बहुत आगे जाकर परवर्ती समय में, आज के समय में भी जिस तरह भारतीय समाज संस्कृति या फिर और विस्तार में कहें तो जिस तरह पूर्वी जब हम कह रहे हैं तो यूरोप के पूर्वी देशों के समाज संस्कृति के प्रति नजरिए को प्रभावित किया, यह दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमारे चर्चा के केंद्र में होगा, उस ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। तो महज विषय वस्तु की बात नहीं है, विषय वस्तु महत्वपूर्ण है और उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन प्राच्यवाद से जो एक नजरिया, जो पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ और जिस प्रकार के पूर्वाग्रह बाद की सदियों में भी, आज की समय में भी चला आ रहा है वह महत्वपूर्ण है। बगैर उन पूर्वाग्रहों के आलोचनात्मक
अध्ययन से हम कहीं न कहीं उसी दायरे में बंधे रहने को अभिशप्त हो जाएंगे जिसकी पुरजोर आलोचना की गई, जिसे कई अर्थों में साम्राज्यवादी नजरिया भी माना गया और जिसने गैर यूरोपीय पूर्व के देशों संस्कृतियों को एक खास चौखटे में फ्रीज कर दिया। लेकिन शुरू में ही मैं यह भी बताता चलूं कि जब हम आलोचनात्मक दृष्टि रखें तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि हम उन प्राच्यवादी विद्वानों के योगदान को खारिज कर दें, और यह कई अर्थों में जरूरी है, क्योंकि यदि हम उस विचारधारा से संवाद न करें, उसे बेहतर ढंग से जानने की कोशिश न करें, तो फिर हम भी उन्हीं गलतियों को दोहराते जाने के अभिशप्त हो जाएंगे, जिससे हमें बचना चाहिए। और इतिहास लेखन यही तो सिखाता है कि किस तरह से अपने पूर्ववर्ती विद्वानों, इतिहासकारों के योगदान को बगैर नजरअंदाज किए उन पर आलोचनात्मक दृष्टि के साथ ज्ञान की स्थिति में कुछ और जोर दिया जाए, जिससे यह समृद्ध होता चला जाए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जब प्राच्यवादी विचारधारा की बात करते हैं तो तीन चार हिस्सों में हम लोग यह संवाद करने की कोशिश करेंगे। पहला तो बहुत संक्षेप में ही कि जिसे हम प्राच्यवादी विचारधारा या प्राच्यवाद कहते हैं वह अवधारणा क्या है, वह संकल्पना क्या है, मोटे तौर पर यह जान लेना हम लोगों के लिए जरूरी है। इसके बाद भारतीय संदर्भों में प्राच्यवादी विद्वान कौन से रहे और इनमें से कुछ मुख्य विद्वानों की योगदानों पर हम लोग बात करेंगे, और फिर इस लेक्चर के अंतिम हिस्से में हम उनके योगदान का आकलन करने का कोशिश करेंगे। तो ओरिएंटलिज्म पर जब हम बात कर रहे हैं, प्राच्यवाद पर जब हम बात कर रहे हैं, तो जहन में यह फर्क रहना बहुत जरूरी है कि ओरिएंटलिज्म का मतलब पूर्व के देशों, पूर्व के समाज की ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। यह यूरोप में पूर्व के समाज, संस्कृति, सभ्यता के बनते बिगड़ते अक्स और वह खास विचार पद्धति, ज्ञान पद्धति है जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्व और पश्चिम, ईस्ट एंड वेस्ट। तो एक बेहद संश्लिष्ट अवधारणा की तरफ हम अपना रुख कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यहां यह भी ताकीद करते चले कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी और उसके बनते बिगड़ते अक्ष की जो दूरी है यह उतनी साफ और उतनी सरलता से व्यक्त की जाने वाली खाई नहीं है। साहित्य और इतिहास, इसके दो महत्वपूर्ण पहलू रहे
और हम अपना ध्यान यहां इन दो विषयों पर केंद्रित कर रखेंगे। इसकी शुरुआत दरअसल पेंटिंग और कला के क्षेत्र में हुई, जब यह शब्द उन कलाकारों के लिए प्रयोग किया जाने लगा जो कि यूरोप से इन पूर्व के देशों, अफ्रीका के देशों जैसे मिस्र या फिर एशिया के देशों जैसे भारत, चीन आदि की यात्रा करते थे और जिनके कैनवास का विषय इन पूर्वी सभ्यता संस्कृति के तत्व हुआ करते थे। तो इस बात को जहन में रखना बेहद जरूरी है कि प्राच्यवाद या ओरिएंटलिज्म पूर्वी देशों, गैर यूरोपीय पूर्वी देशों के समाज संस्कृति का ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। दरअसल यह यूरोप में पूर्वी देशों की खास तरह से बनती छवियों के संदर्भ में है। लेकिन यह महज विचार पद्धति के रूप में भी नहीं माना जा सकता। दरअसल यहां ज्ञान और सत्ता के बीच, नॉलेज और पावर के बीच बेहद संश्लिष्ट ताना बाना हमें देखने को मिलता है इस अवधारणा में। और चाहे वह कला, सौंदर्य शास्त्र, साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र के रास्ते, इसने दरअसल हमारी सोच को कुछ इस कदर प्रभावित किया कि दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आती है, पूर्व और पश्चिम। यदि यूरोपीय पर्सपेक्टिव से कहें तो हम और वे, जिसमें हम हमेशा यूरोप रहा और वे अर्थात अन्य सभी गैर यूरोपीय प्राच्यवादी देश, उनकी संस्कृति, उनका समाज। और यह महज विचार नहीं था क्योंकि यहां अनेक स्तरों पर, जिसमें अकादमिक संस्थाएं शामिल हैं, शामिल रही हैं, जिसमें ज्ञान का उत्पादन एक खास तरीके से हो रहा है और जिसका साम्राज्यवादी नीतियों पर खासा प्रभाव रहा, तो राजनीति का यह बेहद संश्लिष्ट घुसपैठ आप कह सकते हैं ज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन एक और बात जो बेहद जरूरी है वह यह कि यह अवधारणा कोई स्थैतिक नहीं है। इसके स्वरूप, इसके सरोकार बदलते रहे हैं। कि एक शासक के रूप में ब्रिटेन की अवधारणा
उसकी विचारधारा बदलती रही है। ज्ञान वांग्मय, ज्ञान की संस्थाएं और साम्राज्यवाद के बीच के समीकरण, जिस पर मैं विशेष बल दे रहा हूं, उसको समझना इस कारण से भी जरूरी है क्योंकि प्राच्यवादी विमर्श का एक अहम उद्देश्य साम्राज्यवाद के लिए बेहद असरदार, बेहद प्रभावशाली जस्टिफिकेशन, वैधता तैयार करना भी रहा है। तो साथ ही यह भी समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि ओरिएंटलिज्म की अवधारणा शासक की अपनी छवि के साथ बहुत गहरे जुड़ी हुई है। और यदि इंग्लैंड की बात करें तो एक शासक के रूप में इंग्लैंड की अपनी जो छवि है, अपने आत्म की जो छवि है, वह 16वीं सदी में जब इंग्लैंड आयरलैंड पर कब्जा कर रहा था 1570-1580 के दशक में, वहां तक जाती है। और उन आक्रमणों को न्यायोचित ठहराने के लिए इंग्लैंड में एक खास तरह के विचार को, एक खास तरह के, जिसे आज के समय में प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, एक विमर्श की शुरुआत हम पाते हैं 16वीं सदी के इन आक्रमणों के बाद और आयरलैंड पर इंग्लैंड के ट्यूडरकालीन इंग्लैंड के कब्जे के बाद, जिसमें इन लूटपाटों, मारकाटों, इन विजयों को न्यायोचित ठहराने के लिए इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि आयरलैंड एक घुमंतू पिछड़ा समाज, पिछड़ा देश था, जिस पर कृषि आधारित इंग्लैंड की विजय वहां सभ्यता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो एक तरह से आयरलैंड में सभ्यता लाने की जिम्मेवारी खुद से इंग्लैंड ने अपने ऊपर ले ली। और यह उस आक्रमण का, उस विजय का को न्यायोचित ठहराने का एक वैचारिक हथियार आप कह सकते हैं के रूप में हम देखते हैं। फलतः अंग्रेजों ने कहना शुरू किया कि वे आयरलैंड के भले के लिए, उन्हें सभ्य बनाने के लिए उन पर शासन कर रहे हैं। वह 16वीं सदी का अंतिम दशक कह सकते हैं, अंत की तरफ, और 17वीं और 18वीं सदी में, खासतौर से 18वीं सदी में, इंग्लैंड अपने आप को, या फिर कहें ग्रेट ब्रिटेन ने अपने आप को एक एकीकृत देश और संस्कृति की तरह देखना शुरू किया, जिसमें अंग्रेज,
स्कॉट्स, वेल्स सभी शामिल थे। इस दौरान और पहले भी हमें याद रखना होगा कि पूर्वी देशों के संदर्भ में जो छवियां यूरोप में सर्कुलेट हो रही थी, वहां पूरब अर्थात रहस्यमय धरती अर्थात अकूट संपत्ति की धरती अर्थात शैतानों और राक्षसों की धरती, इस तरह की संकल्पना यूरोप में थी पूरब को लेकर। लेकिन जब प्रबुद्धवाद और आधुनिकता तर्कवाद का उदय हुआ तो 17वीं सदी के बाद से ही इस छवि में बहुत आमूल परिवर्तन हम पाते हैं। अब पूरब कोई रहस्यमय धरती न होकर पिछड़ेपन का एक भूभाग के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि विज्ञान ने इस बात पर आम सहमति बना दी थी अब कि पूरी मानव सभ्यता एक ही परिवार, एक ही कुल से उत्पन्न हुई है। 17वीं सदी के बाद से तर्कवाद और रैशनलिज्म ने उत्तरोत्तर शैतानों वाली इस छवि के स्थान पर संपूर्ण मानव जाति को एक प्रजाति के तौर पर मानने के वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, जिसमें समाज सांस्कृतिक और सभ्यता जनित पैमानों पर भिन्न माना जाने लगा, न कि रहस्यवाद या पहले के धार्मिक नजरिए के धार्मिक नजरिए धार्मिक दृष्टि से। और इसी के साथ 17वीं 18वीं सदी में एक कुल के रूप में मानव प्रजाति की अंतर्निहित संबंधों की खोज भी की जाने लगी। इन खोजों में इन ज्ञान के उपक्रमों में गैर यूरोप प्रिमिटिव आदिम पिछड़ा और असभ्य के रूप में सामने आता है। राजनीतिक स्तर पर इस असभ्यता का एक अनुवाद यह भी कि पूरब के देशों में उन सदियों में यह माना जाता था यूरोप में कि पूरब के देशों में किसी प्रकार की राजनीतिक चेतना नहीं, कोई न्याय व्यवस्था नहीं, संपत्ति का ध्रुवीकरण चरम पर रहा। यह माना जाता रहा कि या तो बहुत समृद्ध हुआ करते थे या फिर बहुत गरीब, राजा का कहा हुआ ही कानून होता था। तो इस तरह की के जो स्टीरियोटाइप्स थे
वो सर्कुलेट हो रहे थे और वे पूर्वी सभ्यता की छवियां गढ़ रहे थे पश्चिम में। और किसी भी प्रकार के न्याय व्यवस्था, किसी भी राज्य संरचना के अभाव की बात जो इन अवधारणाओं में अंतर्निहित थी, यह सुलभ कर दिया, या आप कहें तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के लिए जस्टिफिकेशन, एक उसे वैधता देने का काम किया। इसी का एक फ्लिप साइड, इसका दूसरा पक्ष यह रहा कि जो प्राच्यवादी समाज जैसे भारत और भारतीय हमेशा दूसरों के द्वारा शासित होने के लिए ही हैं, इन समाजों में स्वयं एक सुविकसित न्याय प्रणाली, शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था डेवलप करने का की संभावना को नकार दिया गया। लेकिन 1770 के बाद से, खासकर वारेन हेस्टिंग्स के साथ, यह अवधारणा बदलने लगी। प्राचीन भारत में समृद्ध और सुविकसित न्याय पद्धति थी, ऐसा माना जाने लगा। और प्राचीन भारत में जो यह न्याय पद्धति थी, वह सदियों तक अक्षुण्ण रूप से, अपरिवर्तित रूप से चली आती रही, यह भी विश्वास अंग्रेज शासक वर्ग और विद्वानों के बीच गहरा पैठ जमाने लगा। अर्थात यदि हम इस पूरे अभी तक के इस संवाद को संक्षेप में कहें, तो जो यूरोपीय समाज और उसके शासक वर्ग, उसके विद्वान अभी तक यह मानते रहे कि पूरब, खासकर यदि भारतीय संदर्भ में कहें तो भारत, भारतीय समाज हमेशा से रहस्यमय रहा, या फिर जो पिछड़ा रहा, जो आदिम रहा, जहां किसी भी प्रकार की न्याय प्रणाली नहीं रही, जहां राजा का कहा ब्रह्मवाक्य माना जाता था, जहां कोई राज्य संरचना नहीं थी, जहां के लोग हमेशा दूसरों द्वारा शासित होने को अभिशप्त थे, यह अवधारणा 1770 के बाद से बहुत मुकम्मल तौर पर बदलने लगी। और अब यह माना जाने लगा कि प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था थी, और वह न्याय व्यवस्था अपरिवर्तित रूप में 18वीं सदी तक कायम रही। इसका अगला पहलू यह था कि
ये जो न्याय व्यवस्था थी वह संस्कृत ग्रंथों पर आधारित थी, तो उन संस्कृत ग्रंथों की खोज की जाए, उस ज्ञान वाङ्मय की खोज की जाए, उस न्याय व्यवस्था की खोज की जाए। यह अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों, खासकर वॉरेन हेस्टिंग्स की जब हम बात करें, उनकी चिंता में हम पाते हैं। पहले लेक्चर की याद दिला दें, जिसमें हमने कहा कि इतिहास के तरफ दिलचस्पी का एक बड़ा कारण प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करना था, क्योंकि 1765 में बंगाल की दीवानी के मिलने के बाद अंग्रेजों को भू राजस्व की जटिलताओं को समझना था, और इसके लिए वे संस्कृत के विद्वानों, भारतीय शासक वर्ग, जमींदार और मौलवियों पर निर्भर थे। न्याय चलाने के लिए फारसी जानने वाले इन मौलवी या संस्कृत जानने वाले इन ब्राह्मणों पर जो अंग्रेजी प्रशासकों की निर्भरता थी, अंग्रेजों के बीच अनेक शंका या ट्रस्ट डिफिसिट को जन्म दे रहा था। उन्हें हमेशा यह भय रहता था कि उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें सही बात नहीं बताई जा रही है। तो ऐसे में जब वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से यह विश्वास प्रबल होता गया कि भारतीयों के मध्य प्राचीन समय से चली आ रही सुविकसित न्याय व्यवस्था थी और जो संस्कृत के ग्रंथों में सुरक्षित है, तो उन ग्रंथों की खोज की जाए जिससे कि भारतीय मध्यस्थ पर निर्भरता कम की जाए। और यही वह परिपेक्ष्य है जहां 18वीं सदी के अंतिम दशकों में हम प्राच्यवादी विद्वानों की योगदान को विस्तार से आकलन कर सकते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में जिन प्राच्यवादी ब्रिटिश विद्वानों की हम बात करेंगे, उनमें सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, जेम्स प्रिंसेप आदि महत्वपूर्ण नाम हैं। विलियम जोन्स 1782 में भारत आते हैं, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं, वे सुप्रीम कोर्ट में जज थे, और एक परंपरा शुरू होती है, एक संस्थानात्मक तरीके से भारतीय ज्ञान विज्ञान ज्ञान वाङ्मय की खोज, और यह इतना गहरा, इतना अनूठा और इतना व्यापक था कि इसके तार न मात्र प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की तरफ जाते हैं, बल्कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इसने भारतीय इतिहास को देखने की दृष्टि में आमूल परिवर्तन किए। जिस तरह से हम आज इतिहास को आधुनिक दृष्टि और आधुनिक पद्धति के साथ पढ़ते हैं, इसकी जड़ें 18वीं सदी के उन्हीं अंतिम दशकों और 19वीं सदी में जाती है। विलियम जोन्स अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे, जो बहुत छोटी अवस्था में ही ग्रीक, अरबिक, फ्रेंच और पर्शियन के बेहद उम्दा जानकार माने जाने लगे थे। 1768 में पूर्व के 1768 में उन्हें हिस्ट्री ऑफ नादिरशाह, तारीख़े नादिरी को फ्रेंच में अनुवाद करने का जिम्मा सौंपा गया। 1771 में इन्होंने ग्रामर ऑफ पर्शियन लैंग्वेजेस, यह यूरोप में उस समय फारसी के बेहतरीन ज्ञाता के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि पाई। सर विलियम जोन्स बेहद प्रतिभाशाली थे और खासकर बहुत कम आयु में ही उन्हें ग्रीक, अरबिक, फारसी और फ्रेंच का विद्वान माना जाने लगा था। 1768 में उन्हें तारीख़े नादिरी
का फ्रेंच में अनुवाद करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसी समय वे कानून के क्षेत्र में, कानून के व्यवसाय में कानून की पढ़ाई की और इस व्यवसाय में आए। और 1771 में उन्होंने ग्रामर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज लिखा। यह वह दौर था फिलोलॉजी का, जब यह माना जाता था कि भाषा विज्ञान ही सभी सभ्यता के इतिहास को एक दूसरे से जोड़ता है। सभ्यताओं के इतिहास के मूल में भाषाई संबंध हैं और फिलोलॉजी उस संबंध को, उस जटिलताओं को समझने का एक जरिया माना जाता था। लेकिन अपने समय के विपरीत विलियम जोन्स यह मानते थे कि प्राच्य साहित्य महज सौंदर्य शास्त्र नहीं है, बल्कि ज्ञान के स्तर पर यह अनूठा है। और यहां अनेक अंतर्दृष्टियां बिखरी पड़ी हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, यह वह दौर था जबकि यूरोप अपने साम्राज्यवादी उत्थान पर था और यह माना जाता था कि पूरे मानव जाति का जो धुरी है, जो केंद्र है, वह यूरोप में ही है। लेकिन इस नजरिए से विलियम जोन्स भली भांति परिचित तो थे, पर साथ ही वे इसके प्रति आलोचनात्मक भी थे। प्राच्यवादी विद्वानों के सरोकार महज साहित्य तक ही सीमित नहीं थे। जोन्स अपने लेखों का शुरुआत, अपने लेखों की शुरुआत पूर्व के कोटेशन से किया करते थे। इन्होंने 9 हिंदू देवी देवताओं के ऊपर श्लोक लिखे। भारत आने के बाद 15 जनवरी 1784 को 30 चुनिंदा लोगों के साथ इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। विलियम जोन्स की पहली भारत संबंधित जो कंट्रीब्यूशन है वह उनका आलेख अ डिसर्टेशन ऑन द ऑर्थोग्राफी ऑफ एशियाटिक वर्ड्स इन रोमन लेटर्स, और यह जिसे ट्रांसलिट्रेशन कहते हैं, भारतीय शब्दों का, संस्कृत शब्दों का, गैर यूरोपीय शब्दों का अंग्रेजी में किस तरह से उनका लिप्यांतरण किया जाए, इस बाबत था। यह बेहद जरूरी था क्योंकि पहले जब प्राचीन ग्रीक भारत आए थे तो उन्होंने भारतीय नामों को अपने तरीके से अनुवाद करके लिख दिया था, जिससे बहुत भ्रांतियां प्रचलित रही थी। तो इस आलेख ने एक तरह से भारतीय शब्दों, पदों, टर्म्स के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ, जो इतिहास लेखन में आज भी जब कोई कुछ लिखता है तो किस तरह से गैर यूरोपीय शब्दों को कहां वह डायक्रिटिक मार्क्स लगाएगा, किस तरह से वह अंग्रेजी में लिखेगा, यह बेहद जरूरी है और इसकी शुरुआत विलियम जोन्स ने की। यह महसूस किया गया कि प्राचीन ग्रीक जब भारतीयों के बारे में भारतीय नामों को लिख रहे थे तो वे अपने सुविधानुसार इन नामों को बदल दे रहे थे, और इसने कई उलझने पैदा की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से
हम कह सकते हैं कि भारत में एपिग्राफी की शुरुआत हुई। गया के नजदीक के नागार्जुन की गुफाओं के ऊपर आलेख लिखे गए। चार्ल्स विल्किंस को इंडियन एपिग्राफी का की शुरुआती जनक कहा जा सकता है। बंगाल में दिनाजपुर से पिलर इंस्क्रिप्शन की जानकारी आई, जिससे बंगाल के पाल राजवंश के बारे में पता चला पहली बार। और इन आलेखों से में एक बात जो अक्सर रेखांकित किया जाता रहा वह था कि भारतीयों का अपने अतीत के धरोहरों को के प्रति उनकी उपेक्षापूर्ण रवैया, क्योंकि ये सभी जो पुरातात्विक अवशेष इस समय मिलने शुरू हुए वे अत्यंत ही रुग्ण अवस्था में मिले, उपेक्षित अवस्था में उनके बारे में पता चला। विलियम जोन्स की तरफ वापस लौटे तो उन्होंने कालिदास की शकुंतला का अनुवाद किया। विलियम जोन्स चार्ल्स विल्किंस या कोलब्रुक आदि अपने पहले के यूरोपीय यात्रियों या ईसाई मिशनरियों के परंपरा से भिन्न नजर आते हैं। जहां पहले के पर्यटक विद्वानों या ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य प्राच्य समाज के बाह्य स्वरूप को समझना भर था और उनका रिपोर्टिंग भर था, वहीं दूसरी तरफ विलियम जोन सरीखे प्राच्यविदों का उद्देश्य पूर्वी मानस को समझना था। तो पूर्वी मस्तिष्क को समझना था, और यह एक बड़ा फर्क इसलिए भी है क्योंकि यहां कई तरह से इस मानस को कई उदाहरण हैं जहां इस मानस को यूरोपीय ज्ञान की थाती से निम्नतर नहीं माना गया। साथ ही विलियम जोन्स ने एक ऐसी पद्धति की शुरुआत की जहां लिंग्विस्टिक्स को हिस्टोरिकल मेथड के साथ जोड़कर देखा गया। इतिहास इस फिलोलॉजी के लिए, इस लिंग्विस्टिक्स के लिए, इस कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स के लिए बेहद जरूरी हिस्सा माना गया। लेकिन साथ ही हमें यह भी हमेशा ध्यान में रखना होगा कि यह वह समय था जबकि फिलोलॉजी का मूल उद्देश्य था कि पूरी मानव प्रजाति कहीं न कहीं एक ही कुल से जुड़ी, एक ही भाषाई कुल से जुड़ी हुई है, और उस
भाषाई कुल उस तार उन, उन उस कुल के तारों को, उन संबंधों को स्थापित करना, तो वो उद्देश्य वहां है। लेकिन उसी के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि भाषा शास्त्रीय अध्ययन अपने आप में पूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसे इतिहास, उसे बदलते रुझानों समयों के साथ ही रखकर हमें देखना होगा, जो इतिहास दृष्टि के मूल में है। किसी भी साक्ष्य को उसके संदर्भों में देखना, उसके अपने समय के संदर्भों में देखना। तो यह जो हिस्टोरिकल मेथड और हिस्टोरिकल कॉन्शसनेस विलियम जोन्स लेकर आते हैं, और जिसकी शुरुआत एशियाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में अनेक लेखों के द्वारा हमें देखने को मिलता है, यह भारतीय अतीत की खोज का वह समृद्ध हिस्सा है, वह समृद्ध उसकी शुरुआत है, जिसने हिस्टोरिकल मेथड के ऊपर हमेशा बल दिया। साथ ही इसी हिस्टोरिकल मेथड पर ध्यान देने के कारण हम विलियम जोन्स में इतिहास या अतीत के प्रति एक सुदृढ़ क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क, कालावधि की केंद्रीयता इतिहास में, उस तरफ उन्हें उद्धत पाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कि भारतीय न्याय व्यवस्था को समझने के लिए इसके मूल और प्रामाणिक ग्रंथों की खोज और उस खोज के लिए उद्यम, और इन उद्देश्यों के लिए यह जरूरी था जोन्स के लिए कि वे संस्कृत साहित्य और इसके व्याकरण की संरचना को, उसकी जटिलता को समझें। विलियम जोन्स की इस मुहिम को हेनरी कोलब्रुक और चार्ल्स विल्किंस ने आगे बढ़ाया। 1765 में जन्मे कोलब्रुक 1783 में भारत आए, और जब इनकी नियुक्ति तिरहुत बंगाल में, जो अब बिहार का हिस्सा है, तिरहुत में हुई, तो इन्होंने हस्बेंड्री एग्रीकल्चर के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी। सती प्रथा की ऐतिहासिकता की खोज करते हुए इन्होंने इसका संबंध वेदों से स्थापित किया, जो बेहद विवादास्पद रहा। इन्होंने जाति व्यवस्था, सामाजिक संरचना की ऐतिहासिकता को ढूंढने का प्रयास किया, ऋग्वेद का अनुवाद किया, संस्कृत व्याकरण
1805 में ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेजेस प्रकाशित किया, जिसमें पहली बार पाणिनि के संश्लिष्ट नियमों का विस्तार से ब्यौरा हम पाते हैं अंग्रेजी में। यूं तो विल्किंस और विलियम जोन्स भी वेदों को आंशिक रूप से अनुवाद किया था, लेकिन पहली बार कोलब्रुक को ऋग्वेद प्राप्त करने का मौका मिला। लेकिन जो सबसे अनूठा है, जो बहुत मानीखेज है, वह यह कि पहले विलियम जोन्स, लेकिन बेहद विकसित रूप से कोलब्रुक में, जहां वे समकालीन सामाजिक परिस्थिति को जानने समझने के लिए एक ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लेते हुए संस्कृत ग्रंथों की तरफ जाते हैं, प्राचीन काल की तरफ जाते हैं। तो समाज को ऐतिहासिक रूप से देखने का, और वह भी आधुनिक ऐतिहासिक पद्धति से देखने का, यह एक नया रास्ता, नया नजरिया हमारे सामने खुलता चला जाता है 18वीं सदी के अंत के इन दशकों में। लेकिन इसके कई और भी पहलू हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। एक जिसका जिक्र मैंने अभी कहा कि साहित्य, संस्कृत साहित्य के साथ पुरातत्व संबंधित नए खोज हो रहे हैं इस समय, और यही कारण था कि 1837 में जब जेम्स प्रिंसेप को देवानाम पियदसी का उद्धरण मिलता है, और जब वे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को देखते हैं, या उससे पहले इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से गुप्त साम्राज्य का पता चलता है, या फिर उससे पहले जब कुतुब मीनार का त्रिकोणमितीय अध्ययन के द्वारा पहली बार उसकी ऊंचाई नापी जाती है, या फिर नागार्जुन की गुफाओं का जिक्र आता है, या श्रीलंका में महायान संबंधित परंपराओं का जिक्र आता है, पहली बार सिख धर्म का इतिहास लिखा जाता है, जैन धर्म का इतिहास लिखा जाता है, बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा जाता है, गणित की बात, और प्राचीन भारत में गणित की समृद्ध परिपाटी की बात की जाती है, खगोल विज्ञान के संदर्भ में विमर्श चलता है। तो इस पूरे कालखंड में जो 1780 के आसपास शुरू होता है और 1840-1850 के दरमियान तक जिसे हम देखते हैं, भारत में ज्ञान विज्ञान साहित्य और भारतीय अतीत का एक समृद्ध भंडार हमारे सामने आता है। दूसरी तरफ अपने समय के सामाजिक ताने बानों को ढूंढने के लिए, उनकी ऐतिहासिकता ढूंढने के लिए ऐतिहासिक पद्धति की शुरुआत हम यहां इस समय पाते। बहुत कुछ हो रहा है, और इन सभी पहलुओं को अलग अलग विस्तार से जाने की जरूरत है, जो जाहिर है एक लेक्चर में संभव नहीं है। लेकिन इसी के साथ
यह भी नहीं भूलना होगा कि इन सब का राजनीतिक पक्ष रहा है। तो प्राचीन और ब्रिटिश समय के बीच के परिवर्तन को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या फिर यदि देखा गया तो एक ऐसे नजरिए से जिसमें मध्य युग हमेशा पतन का द्योतक माना गया, प्राचीन अर्थात गौरवशाली और फिर उन सभी गौरवशाली परंपराओं का पतन हो जाना। अंत में दो महत्वपूर्ण परिणामों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो जिसके इशारा मैंने अभी किया कि प्राचीन अर्थात गौरवशाली अर्थात संस्कृत ग्रंथों में सुरक्षित ज्ञान वाङ्मय जिसका मध्य युग में पतन हो गया, और यह गौर करने की बात है कि उस प्राचीन ज्ञान वाङ्मय का पुनरुद्धार करने की जिम्मेवारी उसके पुनरुद्धारक के रूप में प्रबुद्ध अंग्रेज अपने को स्थापित कर रहे थे। तो अंग्रेजी शासन और इन प्राच्यवादियों के जद्दोजहद ने अंग्रेजी हस्तक्षेपों के लिए एक वैधता प्रदान की, जहां प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और वह थाती यूरोपीय पद्धतियों के द्वारा ही यूरोपीय ज्ञान पद्धति के माध्यम से पुनर्स्थापित हो रहा था। अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय ज्ञान की खोज लेकिन यूरोपीय शर्तों पर, यूरोपीय पद्धति के द्वारा, और यह यूरोपीय पद्धति जो कि प्रबुद्धवाद और आधुनिकता की उपज थी, जहां इतिहास के वैज्ञानिक काल क्रम की स्थापना की बात थी। और इसे, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसे खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी बहुत अहमियत है, खासकर साइंटिफिक तरीके से इतिहास को समझना, सिलसिलेवार तरीके से इतिहास को समझना, इतिहास में की घटनाओं को, राज्यों को उनके पृष्ठभूमि में काल क्रमों में स्थापित करके परखना, जिसके बगैर इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राच्यवादी हस्तक्षेप का, उस योगदान का। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राच्यवादियों के द्वारा भारतीय यूरोपीय, भारोपीय या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, उस भाषाई कुल को लेकर उनकी जद्दोजहद, उनकी स्थापनाएं, जिसमें एक कॉमन हेरिटेज, कॉमन लिंग्विस्टिक हेरिटेज की बात हमेशा की गई। इसने समय के साथ, खासकर 19वीं सदी के मध्य से, आर्यन थियरी, एक समग्र आर्य संस्कृति, आर्य सभ्यता के सिद्धांत को स्थापित करना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि इस आर्यन थ्योरी में या सेमेटिक सभ्यताओं के प्रति जो वैमनस्य हम देखते हैं उसके कई परिणाम हुए, जिसे विश्व इतिहास को भुगतना पड़ा, खासकर जिस तरह से जर्मनी में इस आर्यन सिद्धांत को तरजीह दी गई, जिसने 20वीं सदी के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा। लेकिन उससे पहले इस इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को लेकर सरोकार इस आर्यन थ्योरी को भरपूर विस्तार जर्मनी में हम मैक्स मूलर के कामों में पाते हैं। यदि वापस हम अपने कालखंड और अंग्रेजी प्राच्यवादी विमर्श की तरफ जाएं, तो हम पाते हैं कि जो दौर 1870-80 के दशक से शुरू हुआ, जब एक तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स
प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था और संस्कृत की तरफ जोर दे रहे थे और 1782 में विलियम जोन्स भारत आए थे, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो जो दौर 1770-80 से शुरू हुआ वह 1830 के आसपास आकर ओरिएंटलिज्म ने एंग्लिसिज्म का रास्ता अख्तियार किया। प्राच्यवाद के स्थान पर एंग्लिसिज्म अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सांस्कृतिक राजनीतिक नीति का आधार बनी और 1830 के दशक में इसी एंग्लिसिज्म के कारण हम मैकॉले की शिक्षा नीति पाते हैं। लेकिन इस दरमियान 1780, 1770 और 1830 के दरमियान एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हस्तक्षेप हमें यूटिलिटेरियन विचारधारा के रूप में देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में विस्तार से बातें करेंगे। शुक्रिया।